छिंदवाड़ा में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री द्वारा अपराधों के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा ऑपरेशन थर्ड आई चलाया जा रहा है, जिसमें शहर ग्रामीण क्षेत्र एवं मुख्य स्थानों चौराहा प्रमुख मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से नियंत्रण प्राप्त किया गया, जिससे अपराधियों की धरपकड़ में लगातार सुविधा प्राप्त हो सके। ऑपरेशन थर्ड आई के अंतर्गत शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहयोग से कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुख्य आम जनमानस व्यक्तियों का सीसीटीवी फुटेज खंगालने से अपराधियों की धरपकड़ करने में सहयोग मिल रहा है। फलस्वरूप संपत्ति संबंधी अपराधों पर माल संपत्ति व आरोपियों को पकड़ने में ऑपरेशन थर्ड आई की विशेष भूमिका है। विगत दिनों थाना चौरे में दो अलग अलग मामले, जिसमें प्रथम घटना क्रम में प्रार्थी राकेश पाल पिता राधेश्याम पाल उम्र 30 साल धानुरा गोसाई थाना कुंडीपुरा निवासी ने रिपोर्ट लिख कराया कि दिनांक 7 जुलाई 2024 की रात्रि करीब 1:15 बजे छिंदवाड़ा से अपने घर ग्राम धानुरा गोसाई आते समय रेलवे ब्रिज में रोड ग्राम चोरगांव के पास पहुंचा, तभी दो मोटरसाइकिल से अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल के सामने आकर चाक अड़ा दिए और जेब में रखे मोबाइल एवं 3,000 रूपए छीन लिए। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 624 धारा 309(4) का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसी प्रकार द्वितीय घटना क्रम प्रार्थी विशाल पिता मदन मोहन मिश्रा उम्र 37 साल राजपाल चौक छिंदवाड़ा निवासी ने रिपोर्ट लिख कराया कि दिनांक 20 जुलाई 2024 की रात्रि करीब 1:40 बजे पर अपने साथी यमुना प्रसाद शर्मा के साथ शिव मंदिर सिहोरा माल से छिंदवाड़ा की ओर जा रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिल से अज्ञात व्यक्ति सामने आकर मोटरसाइकिल अड़ा दिए और बोले कि अपने पास जो भी सामान रखा हो वह निकाल लो। तब एक मोटरसाइकिल वाले ने मेरे जेब से मोबाइल एवं 3,000 रूपए तथा मेरे साथी से मोबाइल एवं 1,500 रूपए छीन दिए। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 594(24) धारा 309(4) का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपी गण व माल की पता साझी हेतु पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनीष खत्री व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह द्वारा अज्ञात आरोपी की छिन तलाश एवं गिरफ्तारी कर प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने की दिशा में निर्देश दिए गए। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चौरई सौरभ तिवारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी चौरई दलीप पंचेश्वर थाना प्रभारी कुंडीपुरा निरीक्षक मनोज बघेल पुलिस टीम के द्वारा अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु दो अलग अलग पुलिस टीम का गठन कर तकनीकी संसाधनों साइबर सेल एवं छिंदवाड़ा शहर से चौरई के आने जाने वाले मुख्य मार्गो में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाल कर एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय कर पुलिस टीम ने अज्ञात आरोपियों की तलाशी की, जिसमें घटना के आरोपी अतल सराठी अंकित सरियां सौरभ सोनी अभिषेक शाह एवं अन्य साथी की पूछताछ में बताया कि दिनांक 19 जुलाई 2024 को आरोपी अंकित सरियाम ने फोन कर सभी को बुलाया कि मेरा जन्मदिन है और सभी लोग रात्रि 10 बजे हनुमान मंदिर पुआमा में इकट्ठे हुए और मेरी मोटरसाइकिल और मेरे साथी की मोटरसाइकिल पर सभी लोग बैठकर सिवनी हाईवे रोड की तरफ आए और सभी ने एकजुट होकर योजना बनाई कि अपने पास पैसा नहीं है, चलो किसी को लूट लेते हैं। सभी मोटरसाइकिल से सिवनी रोड रामेश्वर पूजा धाम सिहोरा आए और रामेश्वर पूजा धाम मंदिर में रुके वही खड़े होकर बातचीत करने लगे। तभी सिवनी की तरफ से करीब 1:30 बजे एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग धोती कुर्ता पहने हुए आए। वो लोग कुछ देर मंदिर में रुके और मोटरसाइकिल से बैठकर छिंदवाड़ा की तरफ जाने लगे। तभी सबने उन पंडितों का मोटरसाइकिल से पीछा कर छिंदवाड़ा रोड तरफ अंधेरे में पहुंचे और मोटरसाइकिल सामने अड़ाकर पंडित लोगों के पास से मोबाइल एवं 4,500 रूपए छीन लिए और सभी ने पैसों का आपस में बांट लिया। इस घटनाक्रम में आरोपी अतुल सुरेश सराटी अंकित बारीलाल सरियाम सौरभ सुरेश सोनी अभिषेक जीवनलाल साहू एवं दो विधि उल्लंघनकर्ता बालकों से विवेचना के दौरान बारीकी से पृथक पृथक पूछताछ करने पर सभी ने घटना खरीद करना स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है और शौक पूरे करना है इसलिए ये चोरियां की है। आरोपी गणों से कुल मिलाकर 6,000 रूपए 3 मोबाइल फोन 25,000 रूपए एवं घटना में प्रयुक्त 3 नग मोटरसाइकिल कुल मिलाकर 2,81,000 रूपए बरामद कर सभी आरोपी गणों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। छिंदवाड़ा पुलिस को संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जो थाना चौराहे में दिनांक 7 जुलाई और 20 जुलाई को जो दो लूट की घटनाक्रम हुए थे उनके आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इसमें जो आरोपी थे उन्होंने एक धार्मिक स्थान पर जन्मदिन का प्रोग्राम बनाया था और प्रोग्राम के बाद इन्होंने अपराध करने की नीयत से जो सुनसान मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे क्रमशः दोनों दिनों में एक एक ये मोटरसाइकिल वाले को घेर के और चाकू दिखा के लूटा था और इसमें जो लूटा हुआ मशरिका था 6,000 रुपये नकदी और चाकू और जो 3 मोटरसाइकिलें प्रयोग में ली थी घटना करने में वो जब्त की जा चुकी हैं। आरोपियों के मोबाइल फ़ोन भी जब्त हो चुके हैं।
और आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें 4 जो है बालिक आरोपी है और 2 नाबालिग आरोपी है। सर, जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनका कोई किसी अन्य ग्रुप से कोई संबंध? देखिए, अभी इनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। सब 18-19 साल के बच्चे हैं और जो पढ़ाई करने वाले भी बच्चे हैं, इनका अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान में, और इनसे और बारीकी से पूछताछ की जा रही है। अन्य वारदातों में भी इनके शामिल होने की संभावना को देखते हुए इनसे विवेचना में पूछताछ की। थैंक यू सर। NBC न्यूज़ के लिए चौरे से राजेश उइके की रिपोर्ट।